हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर के लिए आज नया सब्जेक्ट चुना हुआ है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS203। पिछले जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था वह कम्युनिकेशन सिस्टम पर था, जिसका सब्जेक्ट कोड CS206। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंप्यूटिंग मशीन्स, जिसमें मेन फ्रेम, डेस्कटॉप और मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स होंगे। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहले देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। उससे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाने से पहले एक बार हम लोग देखें सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, जिसमें सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है और एक से अधिक प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है। कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स जो जिसमें एक या एक से अधिक स्टेटमेंट होंगे और वह कंप्लीट मिलकर के एक प्रोग्राम को बनाते हैं, हम उसे कहेंगे प्रोग्राम। और स्टेटमेंट क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, वैलिड इंस्ट्रक्शन, जिसके कारण कंप्यूटर का माइक्रोप्रोसेसर रीड करने पर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को इनिशिएट करता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर से हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए या दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके दो कैटेगरीज हैं, एक तो ट्रांसलेटर्स हैं और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रांसलेटर वे प्रोग्राम हैं जो सामान्यतः एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें आपके कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर और असेंबलर्स आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। पहले देखते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या है। हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके जो हार्ड डिस्क है, इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, स्टोरेज हैं, माइक्रोप्रोसेसर है, ये सभी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, वो सभी क्या हैं? सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज जब भी कोई एप्लीकेशंस किसी हार्डवेयर की डिमांड करता है, जैसे इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है कि उस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस को उस एप्लीकेशन को एलोकेट कर देना है, जिससे कि वह एप्लीकेशन डेटा को रीड कर सके। और डेटा रीड होने के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को डीएलोकेट कर देता है, मींस सॉफ्टवेयर से अलग कर देता है, जिससे कि दूसरा कोई एप्लीकेशन उस डिवाइस को यूटिलाइज कर सके। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है,
और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर में स्टोर करने होते हैं या इंस्टॉल करने होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एक प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाता है और उनको डिस्क में स्पेस प्रोवाइड कर पाया। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर रिसोर्स मैनेजमेंट। और जब भी कोई सॉफ्टवेयर मेमोरी में स्टोर करना है तो उसको प्रॉपर और सफिशिएंट स्टोरेज मेमोरी में एलोकेट करता है। इट प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर में रन कर रहे हैं उनको कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कॉमन सर्विसेज मीन्स कोई भी अगर एप्लीकेशन को इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना है या कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो उस डिवाइस को एलोकेट करता है, और अगर एप्लीकेशन को मेमोरी में कोई स्पेस चाहिए होता है तो इसको स्पेस एलोकेट करता है। एप्लीकेशन को कोई डेटा आउटपुट डिवाइसेज में ट्रांसफ़र करना है तो उसको आउटपुट डिवाइस एलोकेट करता है। अगर एक से अधिक अगर डिवाइसेज या रिसोर्सेज, जो या हम कह सकते हैं प्रोग्राम्स, अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस को डिमांड कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी प्रोग्राम्स को एक क्यू में रखता है और वन बाय वन इनको डिवाइस एलोकेट करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट इज लोडेड इनटू द मेमोरी बाय बूट प्रोग्राम। पहले देखते हैं बूट प्रोग्राम क्या है। जब भी हम किसी कंप्यूटर को रन करते हैं तो हम लोग स्टार्टअप में देखते हैं कि उसका जो कीबोर्ड है उसकी लाइट जलती है या जो एलईडी ग्लो करता है, उसके हार्ड डिस्क का जो भी इंडिकेटर है या एलईडी ग्लो करती है, उस जो आउटपुट पर डिवाइसेस है प्रिंटर हुआ इनिशियलाइज होता है, कोई भी स्कैनर है वह इनिशियलाइज होता है। इट मींस बूट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के रोम में स्टोर होता है। जब भी हम मशीन को ऑन करेंगे तो सीपीयू पहले बूट प्रोग्राम को रीड करता है, अर्थात सीपीयू पहले की जो भी रोम के जो इंफॉर्मेशन है बिगनिंग के उनको रीड करेगा और उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को चेक करेगा वेदर ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इनकी फंक्शनिंग में या कोई दूसरे इश्यूज अगर हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वह यूजर को नोटिफाई करता है। जब एक बार पूरे हार्डवेयर को चेक कर लिया जाता है बूट प्रोग्राम द्वारा तो फिर बूट प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। वह मेमोरी में लोड माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर जो भी डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम का एरियाज है, बूट एरियाज है, वहाँ से बूट प्रोग्राम को रीड करेगा और मेमोरी में रखता है और उसके बाद एक बूटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट लोडेड इन टू द कंप्यूटर बाई बूट प्रोग्राम। और बूट प्रोग्राम पहले रन करेगा और उसके बाद जो बूट प्रोग्राम देखेगा कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से रीड करने के पश्चात मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और एक बार मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो पूरे कंप्यूटर को या कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इट मैनेजेज ऑल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर्स। द एप्लीकेशन प्रोग्राम मेक्स यूज ऑफ
द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज थ्रू अ डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी भी हार्डवेयर की डिमांड करता है या इनपुट डिवाइसेस की डिमांड करता है या आउटपुट डिवाइसेस की डिमांड करता है या दूसरे स्टोरेज की डिमांड करता है, तो एप्लीकेशन एपीआई के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और पर्टिकुलर डिवाइसेस उस एप्लीकेशन को एलोकेट करता है। ये एक विजुअल है जिसमें कोई भी यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक कमांड भेजता है और फिर वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है और अवेलेबल होने पर वह एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम को अवेलेबल करता है। रिसोर्सेज अवेलेबल होने के पश्चात यूजर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर पर कार्य करता है। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स और बॉस तथा सोलारिस। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर पर, मिनी कंप्यूटर पर और मेनफ्रेम कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाता है। अगर हम विंडोज सीरीज को देखते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वह स्टार्ट होता है विंडो 95 से, वह उसके बाद विंडो 98 आया, फिर विंडो एनपी, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10। ये सभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95 से पहले माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वह क्लाइंट सीएलआई बेस्ड होते थे, क्लाइंट लेवल इंटरफेस जो विजुअल इंटरफेस में कमांड लेवल इंटरफेस होते थे, वह कमांड लेवल इंटरफेस में जो कंप्यूटर यूजर होता था वह केवल एक कमांड टाइप करता था और उसके बाद उस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता था। कमांड लाइन इंटरफेस के साथ एक दूसरा विंडोज यूज करते थे जो सिस्टम को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट करने के लिए, वह विंडो 3, विंडो 3.1, विंडो 3.12 और भी वर्जन हुए हैं। और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह विंडो 95 के पश्चात ही डेवलप किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेनफ्रेम इज अ कंप्यूटर दैट इज नोन फॉर इट्स लार्ज साइज, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ह्यूज प्रोसेसिंग पावर एंड हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। जब भी हम लोग मेनफ्रेम की बात करते हैं तो जनरली बुक्स में यही पढ़ते हैं कि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, MIPS में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स में, और जो इसकी रिलायबिलिटी है और सिक्योरिटी है बहुत उच्च स्तर की होती है। दे आर प्राइमरली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इनका प्रयोग जो
शुरुआत में किया गया एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग हुआ करती थी और अभी भी होती हैं, उसमें जो रिसर्च लैब्स हैं जितने भी, चाहे हम इसरो देखें, नासा देखें या IBM के अपने हैं, उसके बाद में अगर हम बिजनेस या कमर्शियल पर्पज़ में देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर्स के हैं, एयरलाइंस के हैं, रेलवेज़ के हैं, इनमें ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो वहाँ पर ये लोग, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर वहाँ पर उपयोग किए गए। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं मेनफ्रेम की, तो कंप्यूटिंग मॉड्यूल्स इन अर्ली मेनफ्रेम सिस्टम वेयर हाउस्ड इन इनोर्मियस रूम साइज्ड मेटल बॉक्सेस और फ्रेम्स। जो भी कंप्यूटिंग मॉड्यूल्स हैं उसमें इनपुट मॉड्यूल्स है, आउटपुट मॉड्यूल्स है, स्टोरेज मॉड्यूल्स है, ये सब मॉड्यूल्स जो अर्ली मेनफ्रेम कंप्यूटर थे उसमें एक बड़े मेटालिक बॉक्सेस जो कि रूम के साइज के थे वहाँ पर इनको माउंट किया जाता था, और जिससे कि इन कंप्यूटर्स का नाम ही मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ गया। ये फ्रेम्स मीन्स बहुत बड़े बॉक्सेज हैं जिसमें बहुत सारा जो मॉड्यूल्स हैं, इनपुट मॉड्यूल्स हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, और स्टोरेज यूनिट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूनिट होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उसमें, तो वह सभी मॉड्यूल्स इनमें माउंट किए जाते थे। और उसके और इसी मॉड्यूल और इन्हीं माउंटिंग बॉक्सेस के वजह से इनका नाम मेन फ्रेम पड़ गया। द अर्ली मेन फ्रेम रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड एयर कंडीशनिंग एंड द रूम वॉज फिल्ड मेनली विथ IO डिवाइसेस। जो अर्ली जो पहले के जो कंप्यूटर थे जिसमें कि सेमी कनेक्टर डिवाइसेज यूज होती थी, जिसमें कि VLSI यूज टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इनका साइज बहुत बड़ा था, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रिकल पावर्स है बहुत ज़्यादा यूज करते थे, और इलेक्ट्रिकल पावर यूज करने के बाद ये कंप्यूटर्स हीट जनरेट करते थे, और जिसके लिए इनको एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती थी। और अभी भी वैसे इनको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम लोग एयर कंडीशन में रखते हैं। द रूम्स वाज फील्ड ऑन मेनली बाय द IO डिवाइसेस। जितने भी इनके फ्रेम्स हैं या बड़े बॉक्सेस हैं वह केवल IO डिवाइसेस में थाउजेंड्स ऑफ IO डिवाइसेस होते थे, और यूनिट्स होते थे IO डिवाइसेस यूनिट्स, या जो पोर्ट कह सकते हैं उनको, वह माउंट किए जाते थे। अ टिपिकल कस्टमर साइड हैड सेवरल मेन फ्रेम्स इंस्टॉल्ड विथ मोस्ट ऑफ द इनपुट डिवाइसेज कनेक्टेड टू ऑल द मेन फ्रेम। जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोई रिसर्च वर्क चल रहा है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंश्योरेंस का खूब सारा डेटा है, या स्टॉक मार्केट का खूब सारा डेटा है, तो वहाँ पर एक से अधिक मेन फ्रेम इंस्टॉल्ड होते थे, और एक जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है वह एक से अधिक मेन फ्रेम से कनेक्ट होते हैं। जनरली ए मेन फ्रेम ऑक्यूपाइड 2000 टू 10,000 स्क्वायर फीट और 600 टू 3,000 स्क्वायर मीटर। जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते थे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, वह एटलीस्ट 2000 स्क्वायर फीट यूज करता है। ये एक विजुअल है आपके पास में, इस विजुअल्स में जो एक ये कंसोल है और बहुत सारे ये रैक्स हैं, ऐसे बहुत सारे रैक्स एक कंप्यूटिंग सेंटर में हाउस होते हैं, और इन जो रैक्स हैं इनको हम लोग फ्रेम से भी कहते हैं, इसलिए हम लोग इसलिए इसका नाम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला है। टुडे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर डू नॉट ऑलवेज यूज द टर्म मेन फ्रेम टू रिफर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स।
स्टेट मोस्ट हैव टेकन टू कॉलिंग एनी कॉमर्शियल यूज कंप्यूटर लार्ज और स्मॉल अ सर्वर। अभी जो वर्ड है मेन फ्रेम का यूज कॉमनली नहीं करते हैं, उसके स्थान पर जो कंप्यूटर जिनकी प्रोसेसिंग पावर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही है या उन्हीं के बराबर में है, चाहे वो कंप्यूटर छोटे हों या बड़े हों साइज में, उनको जनरली सर्वर के नाम से बोला जाता है। द टर्म मेन फ्रेम मीन्स कंप्यूटर दैट कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू साइमल्टेनियसली सर्व थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस पैरेलल में रन करते हैं और जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर है उसको भी ये कंप्यूटर सपोर्ट करता है। अब मेन फ्रेम इज ए सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी इन डेटा प्रोसेसिंग सेंटर लिंक्ड टू यूजर थ्रू लेस पावरफुल डिवाइस सच एज वर्कस्टेशन और टर्मिनल्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक डेटा रिपोजिटरी की तरह काम करता है जो यूजर से वर्कस्टेशन के माध्यम से जुड़ा रहता है और इनको यूज करने के लिए यूजर्स वर्कस्टेशन या डमी टर्मिनल या जो लेस पावरफुल कंप्यूटर्स हैं उनको प्रयोग करता है। जो मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ZOS, ZVSE, ZTPF का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने एक रिपोजिटरी का वर्ड यूज किया। रिपोजिटरी क्या है? या एक सेंट्रल लोकेशन, अ सेंट्रल लोकेशन इन विच डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड। जो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है जिनका हम उपयोग करते हैं बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए, उसमें वह एक डेटा स्टोरेज और डेटा मैनेज करने के लिए और डेटा प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर से है जो एक सिंगल लोकेशन जैसे डेस्क या टेबल पर प्रयोग करने के लिए डेवलप किया गया है। जो हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मेटल बॉक्स देखते हैं, एक बॉक्स देखते हैं जनरली, वो कुछ कभी उसका साइज चेंज होता है, कभी कुछ कंप्यूटर का साइज बड़ा है, कुछ छोटा है, सभी में जनरली एक पावर सप्लाई और मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या है? एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है विद अ माइक्रो प्रोसेसर एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, बस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो मेटल का बॉक्स है उसमें हम जनरली देखते हैं पावर सप्लाई आती है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसमें कुछ स्टोरेज यूनिट हैं जैसे CD ड्राइव है, हार्ड डिस्क है और टेप ड्राइव है, वह सब माउंटेड रहते हैं। और जो भी मेटल बॉक्स है इसमें भी हम लोग कभी ऑप्टिकल डिवाइसेस भी हम लोग यूज कर लेते हैं और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का भी प्रयोग किया जाता है। और इस पूरे को हम लोग कभी कभी CPU बॉक्स भी कहते हैं और CPU भी कह लेते हैं। जनरली CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसी को जनरली CPU कहा जाता है और इसलिए लोग इसको CPU बॉक्स भी कहते हैं। अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर है कीबोर्ड एंड माउस फॉर इनपुट एंड कंप्यूटर मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर फॉर आउटपुट।
कंप्यूटर में जो भी डेटा फीड करने के लिए कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाता है, तथा कंप्यूटर मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर एज ए आउटपुट डिवाइसेज की तरह यूज किए जाते हैं। प्रिंटर का यूज हम लोग कोई भी प्रिंट आउट लेने के लिए करते हैं। मॉनिटर का प्रयोग कंप्यूटर में क्या प्रोसेसिंग हो रही है उसको चेक करने के लिए करते हैं, और ये इंटरफेस की तरह के भी काम करता है। और स्पीकर जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उसको आउटपुट जो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है स्पीकर्स का। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना हम लोग क्रिएट करते हैं, पीपीटी में पावर प्रेजेंट जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, एक्सेल में हम लोग वर्कशीट तैयार करते हैं, और एक्सेस में हम डेटाबेस तैयार करते हैं। और जो वेब एप्लीकेशंस है, जैसे हम ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में कोई कार्ट है जिसमें हम लोग सामान सेलेक्ट करते हैं, कार्ट में डालते हैं, वो भी एक ई कॉमर्स का एक वेब एप्लीकेशन है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडोज, उबंटू और मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यह एक विजुअल है जिसमें एक सिस्टम यूनिट है जिसको हम सीपीयू बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क आदि इसके अंदर माउंटेड रहते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का प्रयोग विजुअल इंफॉर्मेशन को देखने के लिए करते हैं। प्रिंटर का प्रयोग हार्ड कॉपी के लिए करते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग डेटा को या कमांड को फीड करने के लिए किया जाता है, और माउस का प्रयोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। ये एक्सटर्नल मास स्टोरेज डिवाइस है और इसको हम लोग सीपीयू बॉक्स से बाहर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर। अब मल्टी प्रोसेसर इज ए कंप्यूटर सिस्टम विथ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शेयर फुल एक्सेस टू ए कॉमन रैम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ए मल्टी प्रोसेसर इज टू बूस्ट द सिस्टम्स एग्जीक्यूशन स्पीड एंड फॉल्ट टॉलरेंस। मल्टी प्रोसेसर वह कंप्यूटर है जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर की रैम है उसको शेयर करते हैं। और मल्टी प्रोसेसर का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है, और जब भी कभी कोई फॉल्ट आता है या कोई प्रोसेसर फेल हो जाता है तो दूसरा प्रोसेसर उसको बैकअप करता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में दो प्रकार के प्रोसेसर्स होते हैं। एक तो शेयर्ड मल्टी प्रोसेसर होता है और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी प्रोसेसर। शेयर्ड मल्टी प्रोसेसर में जो कंप्यूटर में रैम या मेमोरी होती है वह दोनों प्रोसेसर शेयर करते हैं, और जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी प्रोसेसर में जो सीपीयू है प्रत्येक सीपीयू की अपनी एक मेमोरी होती है, वो उसे शेयर नहीं करता। जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है वो उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एनटी, सोलारिस, सन ओएस वर्जन 4, आईओएस का प्रयोग करते हैं। एक मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है जिसमें दो सीपीयू हैं, एक तो सीपीयू 1 है, सीपीयू 2 है। ये शेयर्ड मेमोरी है जिसको दोनों सीपीयू
शेयर करते हैं। और ये आईओ प्रोसेसर्स हैं जिनके माध्यम से जो सीपीयू है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं, और इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के पश्चात आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स। सेकंड है, राइट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ है, डिफाइन मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है, राइट एप्लीकेशंस ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी प्रोसेसर। और लास्ट है, व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।